सो हेलो फ्रेंड्स, यार कैसे आप सभी लोग। आप सभी का फिर से बात स्वागत है हमारे चैनल टी एच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो है ये 12 इंच के बेस ट्यूब को इसी के एम्पलीफायर के साथ टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एम्पलीफायर को दिखा देता हूँ। इसमें जो है फ्रेंड्स 12 इंच का सबवूफर लगा हुआ है और इसमें 5200 वाला मोनो एम्पलीफायर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है अपने कार के बैटरी से चल जाता है, जो कि 12 वोल्ट 10 एम्पियर के आसपास चल जाता है। तो फ्रेंड्स, हम जो है इसको इसके फुल पावर पे टेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जो है 12 वोल्ट 3 एम्पियर के ट्रांसफॉर्मर से इसको टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देंगे कि इसका जो है साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी इसका एम्पलीफायर देख लेते हैं, कनेक्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इसका जो है एम्पलीफायर कुछ इस तरीके का है। इसको जो है मैंने सेकंड हैंड परचेज किया था 3000 के आसपास। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये इसमें जो है एक फ्यूज लगा हुआ है, ये शायद तक 20 एम्पियर का है। और यहाँ पे अपन को ग्राउंड का कनेक्शन मिल जाता है। ठीक है, जो कि आप अगर कार में इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो बैटरी के नेगेटिव ब्लैक वायर से इसको कनेक्ट करेंगे, ये वाले साइड को जिसमें GND लिखा हुआ है। इसके बाद जो है ये 12 लिखा हुआ है, यहाँ से अपन को यहाँ पे अभी देख नहीं रहा है, लेकिन ये 12 का है। और ये जो है रैम कार्ड में आप जो है रेड वाला वायर लगाएंगे, जो कि पॉजिटिव 12 वोल्ट यहाँ पे देना है, यहाँ पे ग्राउंड देना है। ठीक है, और आप लोगों का ये बेस ट्यूब चालू हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कुछ इसका कंट्रोल है, जो कि ये फ्रीक्वेंसी वगैरह का है। और ये जो है ऊपर का वॉल्यूम का है, इसको मैक्सिमम मिनिमम आप कर सकते हैं कम ज़्यादा। ठीक है, और ये जो है फुल फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, फुल लिखा है वहाँ पर जो है आपको आवाज़ और बेस दोनों मिलेगा इसमें, या मतलब इस बेस ट्यूब में। और बेस के साइड कर देंगे तो आपको जो है क्लियर बेस मिलेगा, एक फ्रीक्वेंसी तक लिमिटेड रहेगा वो। ठीक है, और यहाँ से जो है आप यहाँ पे इसको इनपुट देंगे। तो इनपुट के लिए हम फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं कि हम लोग जो है मोबाइल से इनपुट देंगे। तो मोबाइल से इनपुट देने के लिए हम ये वाला ऑक्स केबल को यूज़ कर रहे हैं, जो कि अपना एक साइड ये मोबाइल में चल जाएगा और एक साइड ये जो है बेस ट्यूब में लग जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है आप डायरेक्ट मोबाइल से इसको चला सकते हैं। और आप अगर इसको कार में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको वो AV केबल रहता है, उसी से आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आके ऑडियो इनपुट यहाँ पर हो जाता है। ठीक, तो इतना कनेक्शन तो अपना हो गया। अब अपन को यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम इसको घर में चला रहे हैं, बैटरी से नहीं चला रहे हैं, तो हमको जो है इसके ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ये कनेक्ट होने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये GND वाले में जो है अपन को यहाँ पर ब्लैक वायर हमने लगा दिया, जो कि नेगेटिव है। ठीक है, और 12 वोल्ट पॉजिटिव वाले में रेड वायर लगा है। और यहाँ रिमोट और जो 12 वोल्ट है उसमें एक हमने जम्पर लगा दिया ताकि ये जो है ऑन हो जाए। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा कनेक्शन रहता है फ्रेंड्स बेस ट्यूब का। ठीक है, अब हम जो है इसे पावर ऑन कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका बेस क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो है पूरा कनेक्शन करने के बाद जो है ये पावर ऑन। आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर के साथ जाती हुई वायर वहाँ पे जाके कनेक्ट हुई है, और वो जो है ब्लू कलर का वहाँ पे लाइट जल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है ये पावर ऑन है करके। ठीक है, और यहाँ पे अपना मोबाइल भी कनेक्ट किया। अभी जो है इसमें हम सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं कैसा साउंड क्वालिटी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा इसमें जो है हमने जब उसको फुल फ्रीक्वेंसी पे किया है तो थोड़ा सा जो है इसमें आवाज़ भी आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सॉन्ग को मैं प्ले कर देता हूँ और उसी के साथ जो है हम इसको बेस पे कर देते हैं, फिर देखते हैं कि अपन को सिर्फ बेस आ रहा है क्या। तो इसको मैंने अभी पूरा बेस पे कर दिया है साउंड। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा कैसा टाइप का इसमें क्वालिटी आ रहा था। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी आ रहा था बेस ट्यूब के हिसाब से। जो मैंने पहले लिया था 10 इंच का, उसमें जो है इतना अच्छा भी क्वालिटी नहीं आता था जैसा कि इसमें आ रहा है। और इसमें जो है 5200 लगा हुआ है, और हम लोग जानते भी हैं कि 5200 जो है काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर, केपेबल एम्पलीफायर। उस हिसाब से जो है इसमें काफ़ी अच्छा जो है साउंड क्वालिटी हमको मिल रहा था, बेस वगैरह भी सब सही था। और ये जो है मैंने सेकंड हैंड परचेज किया था, उस हिसाब से जो है साउंड क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है। ठीक है, और हमने जो है इसमें 12 वोल्ट 3 एम्पियर का सप्लाई यूज़ किया था, जो कि हम इसमें 12 वोल्ट 10 एम्पियर तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो कि हम इसमें 12 वोल्ट 10 एम्पियर तक यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से जो है हमको इसमें काफ़ी अच्छा क्वालिटी मिल रहा था। और जैसे ही हम लोग जो है 12 वोल्ट 10 एम्पियर पे शिफ्ट करेंगे तो इसका क्वालिटी जो है और भी बेहतरीन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग अगर इसको कार वगैरह में यूज़ करेंगे, काफ़ी अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेस मिलेगा। ठीक है, और शायद तक वीडियो में उतना समझ नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बेस है। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। हम ऐसे ही एम्पलीफायर स्पीकर से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, और कई बार इनके गिव अवे भी लाते रहते हैं। अभी भी जो है 5 इंच और 8 इंच सबवूफर का गिव अवे चल रहा है, उनका जो है मेरे को देखना पड़ेगा जल्दी, उनका रिजल्ट मैं अनाउंस करने का। फ्रेंड्स, कुछ क्राइटेरिया था कि उस क्राइटेरिया पे जो गिव अवे एक्टिवेट होगा, तो वो शायद हो गया होगा, तो मैं अभी उनका गिव अवे अनाउंस कर दूंगा नेक्स्ट वीक तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।